मैं चंद कमल सिंह ओल्ड आयुर्वेदा धूरी पंजाब तो संत गोबिंद दास आयुर्वेदिक सेवा संस्था वालों अज एक होर वीडियो लैके थोड़ी सेवा हाजिर हुए हैं। अंब बारे गल करांगे आपां। पिछली वीडियो दस्या सी मैं खरबूजे की तरबूज की वीडियो बनाई है, हुण अंब की बारी आ गई। अंब खा के कि गलतियां नहीं करनी चाहिए सानू कि असी बीमार होने तो बच सकी। अदरवाइज अगर अंब खा के असी आ जिहड़ी गलतियां दसूंगा मैं जे करांगे तां असी हस्पताल पहुँच सकते हैं, सानू डॉक्टरों को जाना पै सकता, असं बीमार हो सकते हैं। अंब खा के अगर वो आह चीज़ा का कुछ चीज़ा ने जिड़िया सेवन करा अगर अंब के नाल कुछ ऐसा चीज़ा दसूँगा अंब के नाल सेवन करना थोड़ी ताकत देनगियां। जिहड़े बजुर्ग हो गए बिरध अवस्था जिन्हां दी बजुर्ग ने उन्होंने अंब के नाल अंब का मौसम है अंब के नाल उन्होंने शरीर को ताकत देने वास्ते बजुर्ग ने उन्होंने शरीर बुढ़ेपा आ गया उन्होंने उपर बुढ़ेपे के शरीर को ताकत देने वास्ते अंब तो आपने किवें कम लेना। अंब के नाल की चीज़ आ आप खा के किस टाइम खाना हो तो अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं, बजुर्गों के शरीर को बलवान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, बुढ़ेपे की कमजोरी दूर कर सकते हैं। मतलब हर तरह की उम्र के मैं कह सकता भी कमजोरी दूर करूँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा वीकनैस महसूस होती है। बाकी हाँ मैं जो चीज़ा दसन लगे भी जो सेवन नहीं करना वीडियो में एंड तक जरूर देखियो भी जी चीज़ों का सेवन नहीं करना दसूँगा अंब के नाल। अंब हूँ मौसम का फल आ गर्मी के अंब की बहुत बहार आती है, अलग अलग प्रकार के अंब आते हैं, दुशहरी अंब आता कई नसल अंब दें। तो अंब खाना बहुत पौष्टिक है साढ़े वास्ते, बहुत लाहेवंद आ। अंब के जोड़े गुण ने अंब सत धातु वर्धक आ, क्योंकि साढ़े शरीर के अगर आप मुताबक देखते हैं साढ़े शरीर सत धातु बनते हैं, रस रक्त मास मेद मिज हड्डी सतवीं धातु जी बनती है शुक्र वीर शुक्र सतवीं धातु बनती है। जेड़े नौजवान अपने शरीर के कमजोरी महसूस करते हैं जिन्हों के स्पर्म काउंट घट ने जिन्हों के शुक्राणु घट ने वह अंब खा के शुक्राणु को बढ़ा सकते हैं। अंब खाने के नाल साडे शरीर के जहरीला मादा खत्म होंदा, साडा शरीर के एनर्जी आउंदी है ऊर्जा आउंदी है, अखां वास्ते बहुत फायदेमंद आ। आ दशहरी अंब लैंदे आ चूसण वाला अंब जिहड़ा आपां कहिंदे चुपण वाला अंब, वह अंब खाण नाल आंतड़ियों नूं ताकत मिलती है, आंतड़ियां साडियां मजबूत हुंदियां ने उहदे नाल। अते हुण जिन्हां ने अंब तों कमजोरी दूर करनी आ उहनां वास्ते कि जिहड़ा फार्मूला दसण लग्गे आं तुसीं किवें इहदा प्रयोग करना। हाँ जी, जिन्हां ने अपनी बिरध अवस्था की कमजोरी दूर करनी अपने बजुर्गों की अपने शरीर को बलवान बनाना, चाहे तुसीं नौजवान हो जां किसी भी उम्र च तुसीं अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहुंदे हो, अंब के नाल तुसीं ताकत हासिल करना चाहुंदे हो, अपनी शरीर के ऊर्जा पैदा करना चाहुंदे हो, कमजोरी ठीक करना चाहुंदे हो, हुण आह फार्मूला एक पल्ले बन लिओ, बहुत वधिया फार्मूला। सवेरे खाली पेट ही करना काम, तुसीं कोई 200 ग्राम जां पाइया अपने अंब लै लेना, अंब का गुद्दा लैके उन्हूं मिक्सी के ग्रैंड कर लो, उहदा एक शेक जिहा बन जाएगा है ना, उन्हूं शेक कर लो जिवें ग्रैंड करके मिक्सी के अंब नूं 200 ग्राम जां पाइया को होवे मतलब उहदे विच तुसीं ने ग्राइंड करके उस तो बाद 50 ग्राम शहद मिलाउणा, 50 ग्राम शहद मिलाउणा अते 10 ग्राम उहदे विच अदरक दा पानी आदे दा रस कढ के 10 ग्राम आदे दा रस, 10 ग्राम मतलब 2 चमच होणगे आदे दा रस, चमचा 2 चमच आदे दा रस मतलब 10 ग्राम की मात्रा होवे, 50 ग्राम जिवें 40-50 ग्राम शहद अते 200 तो 250 ग्राम जिहड़ा अंब अपना गुद्दा अंब दा हो गया उहनूं शेक कर लेना, शेक बना लेना इहदा ते विच कोई पानी नहीं पाउणा दुद्ध नहीं पाउणा, इहनूं सवेरे आपां ने सेवन करना। उस तो बाद इस तो 2 घंटे बाद नॉर्मल टैंपरेचर दा फिक्का दुद्ध पीना, जिवें गर्म ना होवे बड़ा ठंडा ना होवे नॉर्मल जिहा दुद्ध पीना फिक्का 2 घंटे बाद। उस तो बाद फिर 4 घंटे कुछ होर खाणा पीणा नहीं हैगा, 4 घंटे फ्रिज रखना कुछ खाणा पीणा नहीं, ते तुसीं देखोगे कमाल होजूगी थोड़े शरीर दे विच ऊर्जा भर जूगी, थोड़े शरीर दे विच कांति ताकत आ जूगी ते अपने शरीर नूं तुसीं बलवान बना सकदे हो अंब दे इस नुस्खे नाल। सो बहुत वधिया रहूगा थोड़े वास्ते। बाकी वीडियो वध तो शेयर कर दिओ, पेज में लाइक कर लो, तो अगर यूट्यूब पर हो तो चैनल सबसक्राइब कर लो। तो भी अंब के नाल जां अंब खा के किहड़ियां चीज़ां नहीं खानी चाहीदियां सन, अंब के नाल कांजी कांजी आपां कहिंदे लस्सी होगी जिवें खट्टी लस्सी होगी अते दही होगी इहदा सेवन नहीं करना चाहीदा, दही लस्सी दा सेवन अंब दे नाल नहीं करना चाहिए, सानू परहेज करना चाहिए। अगर आप दही लस्सी का परहेज नाल लवेंगे दही लस्सी तो सानू आने वाले समय के आने वाले दिनों के आने वाले कुछ सालों के चमड़ी रोग पैदा हो सकता, ये चमड़ी रोग लियाऊगा ये अगर अंब के नाल असी दही लस्सी का सेवन करा। सो दही लस्सी
ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਅੰਬ ਖਾਓ। ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।